वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में आपको दिखाऊंगा EMU की फ़ीस जो कि डिफरेंट कोर्सेज़ की है। इससे पहले भी मैंने वीडियो एक अपलोड की थी फ़ीस के बारे में, वो फ़ीस पुरानी थी, अब तक नई फ़ीस नहीं आई थी। अभी आप देखें 2022-23 की फ़ीस आ गई और फ़ीस जो है अच्छी खासी यहाँ पर मतलब बढ़ भी गई है। ठीक है, जो फ़ीस पहले यहाँ पर लगभग 7600 रुपये थी, उसमें लगभग मतलब 1500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 25% फ़ीस जो है वो बढ़ गई है। तो सारे कोर्स की फीस आपको दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करने बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स पहुँचें। 2023 की तैयारी इन्हें करनी हो, नंबर आपको दिख रहा होगा, मुझे कॉल कर सकते हैं। बैस कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप टैस क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों फीस जो है आपके सामने सारे कोर्सेज की है, जो जो मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट पूरी, जो आपका कोर्स हो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फीस लगभग 25% जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पहले फीस जो फीस थी पहले लगभग 7600 रुपये थी, ये लगभग तो 9125 हो गई है। तो लगभग 1500 रुपये इसमें जो है वो ऐड हो गए, ऑलमोस्ट 25%। क्योंकि अभी आपने अगर जो लोग एक्टिव रहते होंगे उन्होंने अभी सुना होगा, जो गवर्नमेंट ने EMU का बजट थोड़ा सा पहले 62 करोड़ था उसको 9 करोड़ कर दिया है इस साल का, तो शायद इस वजह से फीस ये बढ़ गई है। तो महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है। तो देखें आप अपने कोर्स देख लें, आप जो कोर्स हो आपका, मैं थोड़ा तेज़ जाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा पेज हैं इसके अंदर। तो ये आपका BA ऑनर्स है, ये आपका बस कोर्स हैं, आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ब्रिज कोर्सेज भी हैं इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, सारे सर्टिफिकेट कोर्स, उसके बाद ये आपके डिप्लोमा आ गए। ये पार्ट टाइम कोर्स हैं वैसे ही वाले, जितने भी आपके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हैं इनकी फ़ीस आप देख लें, इंटरनल एक्सटर्नल दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये नॉन रेसिडेंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हॉस्टल नहीं लेंगे और बॉयज़ हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं। और ये एक्सटर्नल हैं, ये इंटरनल हैं, ठीक है। और ये रेसिडेंट हैं, जो लोग हॉस्टल यहाँ पर आके लेंगे तो उनकी फ़ीस अलग है, एक्सटर्नल की फ़ीस अलग है, इंटरनल की फ़ीस लगभग 200 रुपये का 250 रुपये का यहाँ पर फ़र्क है दोस्तों। यहाँ पर सेम गर्ल्स है, ये नॉन रेसिडेंट, एक्सटर्नल, इंटरनल, जो पहले से एनरोल्ड हैं EMU में उनकी फ़ीस कम है, और जो एक्सटर्नल उनकी फ़ीस ज़्यादा है। और ये नॉन रेसिडेंट जो लोग हॉस्टल नहीं लेंगे, और रेसिडेंट जो लोग हॉस्टल लेंगे उनकी फ़ीस अलग अलग है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ जल्दी से डिप्लोमा दोस्तों, ये आपका MA आ चुका है सारा, MA अरेबिक, MA की सारी फ़ीस देख लें आप जल्दी से। ये MA सारा, MA, MFA लिंग्विस्टिक में डिप्लोमा, चैपलेंसी, उसके बाद दोस्तों ये आपका मास कॉम आ गया है उर्दू वाला, फिर दोस्तों PhD की फ़ीस है, ये अलग अलग कोर्सेज में सब आपको दिख रहा होगा। थोड़ा तेज़ जाता हूँ मैं, जो कोर्स आपका हो आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। एम कॉम, बी कॉम, MBA दोस्तों आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 19,000 दोस्तों, बॉय एक्सटर्नल है, नॉन रेसिडेंट दोस्तों। उसके अलावा आगे चलते हैं, ये आपका आ गया एम कॉम, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसकी फ़ीस काफ़ी बढ़ गई, 23,000 रुपये हो गई। तो टूरिज्म की फ़ीस भी काफ़ी हो गई दोस्तों, इसकी भी फ़ीस 23,000 हो गई दोस्तों। ये आपका बॉयज़ है, एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट, इंटरनल जो है उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, लगभग 2,000 रुपये का फ़र्क है यहाँ पर, मतलब 1500 रुपये का फ़र्क है। तो उसके अलावा आगे PG डिप्लोमा है, ये बैंकिंग फाइनेंस है, PhD कॉमर्स है, नैनो टेक, BArk। सो BE की फ़ीस देखें 42,000 हो गई, 695 एक साल की। और ये साल की फ़ीस जो है ये ईयरली फ़ीस है, पहले साल में फ़ीस ज़्यादा होती है और सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में फ़ीस जो है आपकी कम हो जाती है। उसके बाद ये सारे BTech आ गया आपका, BTech देख लें आप, थोड़ी BTech की फ़ीस भी बढ़ गई है। उसके बाद सारा BTech है ये, उसके बाद दोस्तों ये आपका MSc पॉलीमर, MTech आ गया, ये सारा MTech केमिकल, पेट्रो एंड पेट्रोकेमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नैनोटेक, एनवायरमेंटल, जियोटेक्निकल, हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चर, सारे दोस्तों MTech है, ये सारी फ़ीस आपने देख ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो उसके बाद MSc आ गया, ये एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, तो उसकी फ़ीस भी यहाँ पर दी हुई है। सारी PhD साइंस में जितनी PhD आपकी वो सब यहाँ पर दी हुई है आपको, ऊपर मैंने बता ही दिया, आप जो जो आपका है इंटरनल एक्सटर्नल आप देख लें, वो फ़ीस उसमें अलग अलग होती है, और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोस्तों। ये आपका हो गया BSc एग्रीकल्चर दोस्तों, उसके बाद MBA एग्री बिजनेस, MBA एंटोमोलॉजी दोस्तों, ये सारी फ़ीस है आपके लिए हैं। और ये PhD आ गया, ये आपका मेडिकल आ गया, इसकी फ़ीस ये है आपके लिए। और उसको MDS आ गया, ये डेंटल आ गया, MS आ गया, MS, और ये सारा आपका मेडिकल है, सारा मेडिकल है ये। सो आगे MBA आ गया दोस्तों, MBA फ़ीस देख लें आप,
गूगल पे बच जाएगी, वहाँ बहुत दी होती है एमबीए फीस, इतनी फीस नहीं होती है एमबीए की इतनी वहाँ दी हुई है, वहाँ तो लाखों दी हुई है। तो ये आपके 2022 सीएस का दिखा आपको दिखा रहा हूँ सारा। पीएचडी आ गया दोस्तों, बीए आ गया इकोनॉमिक्स, एजुकेशन ज्योग्राफी, ये सोशल साइंस में आ गया, उससे पहले भी आ चुका है ये बीएड। देख लें बीएड की फीस ये है बीएड। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट आ गया टर्किश, ये तो आप पार्ट टाइम कोर्सेज हैं। एमए इकोनॉमिक्स, ये सारा एमए आ गया आपका, इंटरनेशनल बॉयज़ गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं, जो जो आपका कोर्स हो उसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एम पी एड, एम एस डब्ल्यू, पी एच डी आ गया सारा, ये सोशल साइंस का सारा पी एच डी है ये। तो बी वॉक आ गया पॉलीमर कोटिंग, उसके बाद देख लें एडवांस डिप्लोमा इन डेकोरेशन, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। फूड टेक की फीस, पॉलीमर कोटिंग, उसके बाद ये आपका सारा डिप्लोमा आ गया, जितने भी डिप्लोमाज हैं उसकी फ़ीस बढ़ गई है। उसके बाद एम वॉक, तो एम वॉक पॉलीमर सब आ गया आपके लिए। बी एस सी आ गया ये सारा, देख लें आप बी एस सी जियोलॉजी सारा बी एस सी है ये। एम एस सी, तो उसके बाद सारा आपको एम एस सी दिखा रहा हूँ मैं, एम एस सी एम ए ज्योग्राफी सारा एम एस सी है। पी एच डी आ गया सारा, साइंस का पी एच डी वाला पार्ट आ गया ये। उसके बाद बी ए सुन्नी शिया, एम ए सुन्नी शिया, पी एच डी शिया सुन्नी, बी यू एम एस, एम डी सारा एम डी है ये। ये आपके आपका मतलब यूनानी मेडिसिन वाला है, वो वाला एम डी अलग था, एलोपैथिक सारा पी एच डी। बी ए आपका बी ए एल एल बी की फ़ीस देख लें आप, काफ़ी बच्चे आते हैं इसके अंदर। एल एल एम एडवांस डिप्लोमाज आ गई है। तो उसके बाद ये मतलब यूनानी फार्मेसी का डिप्लोमा, डी एम एल टी सारा आपका पैरामेडिकल आ गया, आप पैरामेडिकल। उसके बाद ये सारा पैरा, ये आपका पैरामेडिकल है सारा। उसके बाद फिजियोथेरेपी आ गया, ये एम एस सी आ गया आपके लिए, एम एस सी डाटा साइंस, बी एस सी नर्सिंग, बी आर टी टी। उसके बाद उसकी कंप्यूटर, ये सारे आपके पी जी डिप्लोमाज आ गए, जल्दी जल्दी आप कर देता हूँ मैं, सारे पी जी, ये पी जी डिप्लोमाज हैं आपके लिए। सो उसके बाद ये सारा आपका एम बी बी एस आ गया, 45,000 हो गई, और ये बी डी एस, ये सब मैंने आपको सारी फ़ीस दोस्तों ये 2022 सीएस की, ये नया शेड्यूल आया मैंने आपको दिखा दिया। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।